हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो ये है चना बादाम फ्राई जो मैंने अपने हस्बैंड के नाश्ते के लिए बना दिया था, और फिर उसके बाद नहा वहा के पूजा कर लूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी त्रिशान के लिए, क्योंकि वो ये सब नहीं खाता है। बहुत ही चूज़ी टाइप का है कि उसको जो पसंद हो वही खाएगा, नहीं तो दूसरा कुछ भी नहीं खाएगा। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और पूजा आरती मैंने कर लिया था और बस पूजा करने के बाद चलती हूँ किचन में, और किचन में बना रही हूँ बाबू के लिए हलवा। हलवा उसे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, पर वही किसी किसी दिन उसको ज़िद होता है तो फिर बना देती हूँ। आज उसके ज़िद थी तो घी डाला है और उसमें थोड़ा सा सूजी डाली हूँ। सिर्फ बाबू के लिए ही बना रहे हैं और अपने लिए चाय बना लेंगे। तो अच्छे तरीके से रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा नारियल था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि हलवा में पहले तो नारियल वगैरह नहीं डाला करती थी, पर अब डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बाबू ऐसे किचन में मेरे पीछे ही खड़ा था, और जब कैमरा उसकी तरफ मैंने किया तो शर्मा के इधर उधर भागने लगा था। और अब इसमें शुगर ऐड करते हैं। तो जब भी किचन में आके खाना वगैरह बनाऊंगी तो किट्टू बोलेगा मम्मा मुझे गोदी आना है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर जब गोदी ले पाती हूँ तब ले लेती हूँ। और उसको देखना था कि मैं उसको बताई कि हलवा बना रही हूँ, तो बोला मुझे भी दिखाओ, तो इसी वजह से गोदी में चढ़ के खुद भी देख रहा था कि बन कैसे रहा है। और इधर मेरी चाय भी लगभग बनने ही वाली थी, चाय में दो तीन उबाल आ गया था। तो चलिए मैं चाय पी लूँगी और बाबू को फिर उसी टाइम पे नाश्ता करा दूँगी। और पानी वगैरह ऐड करने के बाद इसे थोड़ा पतला ही मैं उतार दूँगी, क्योंकि ये ना फिर प्लेट में निकालने के बाद अपने आप ही गाढ़ा होने लग जाता है, तो इतना ही थिकनेस मुझे चाहिए। तो बस इसी टाइप उतार देती हूँ। और ये रहा बाबू का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, बन के तैयार हो गया है सूजी का हलवा और मेरी चाय। इसके बाद मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, बाबू आराम से अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था, और स्टडी वगैरह कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। और इस टाइम बज रहे थे सुबह के 10 से मैं 11:30 तक पढ़ाई की हूँ, और उसके बाद फिर लंच बनाऊँगी और उसी टाइम पर मैं फिर ब्रेकफास्ट भी करती हूँ। और वो कहते हैं ना, ज़िंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं पर जो रास्ते बनाए वही इंसान है। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, ज़िंदगी में जो भी हासिल करना है, हम लोग हमेशा कहते हैं ना कल करेंगे कल करेंगे, पर जब बड़े हो रहे हैं तो पता चलता है कल कभी नहीं आता। और ये चीज़ पहले भी पता होती है कि कल कभी नहीं आता है, पर वो ज़िम्मेदारी के साथ हम लोग अपने एम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। तो मैं फिर से दोबारा, अभी तो मुझे बस यही है कि मेरा फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बाद सीटेट की तैयारी करूँगी। और जब, क्योंकि फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आने में लगभग 1 साल का टाइम रहेगा, तो मैं पहले सीटेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके सीटेट का एग्ज़ाम दूंगी, और उसके बाद फिर मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आएगा, तो तब तक फिर तैयारी करने के बाद सेकेंड ईयर की भी पढ़ाई हो जाएगी। और रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जितनी शिद्दत से आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे ना, उतनी ही बहुत अच्छी वाली मंजिल भी आएगी। हाँ, जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से उतना वक्त लगेगा आपको अपनी मंजिल के करीब आने में। तो बस पढ़ाई वगैरह करने के बाद बीच बीच में बाबू को भी देख रही थी क्या कर रहा है, और आज वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। और इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी और लंच की प्रिपरेशन भी करती हूँ। तो आज लंच में बनाऊँगी चावल, दाल, भिंडी की भुजिया, आलू का चोखा और धनिया पत्ता टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे भिंडी की भुजिया फिर मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि एक एक करके फिर बनाते रहूँगी, और इस टाइम तक त्रिशान भी सो चुका था। तो अब जल्दी से भुजिया बन जाएगा और यहाँ पर आलू का चोखा। तो भुजिया देखिए, अभी इसमें हल्दी नमक ऐड नहीं किया है,
हल्दी नमक ऐड करूंगी और तब तक फिर अपना चोखा भी बना लेती हूँ। और उसके बाद मुझे करना है दाल फ्राई, तो दाल फ्राई का यहाँ पे तड़का प्याज़ और टमाटर के साथ कर रही हूँ। तो देखिए प्याज़ और टमाटर अच्छे से भुन गया था, तो अब इसमें दाल ऐड कर देते हैं। आजकल ना दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बहुत कुछ हेवी खाने का मन नहीं होता है, तो सिंपल सा ही मन होता है, तो इसी वजह से। और ये रही मेरी हरी धनिया और टमाटर की चटनी।